उसका एक नुमाइंदा शामिल किया गया है। 24 घंटों में क्या रिपोर्ट आएगी, क्या बात होगी, उसको बाद में बात करेंगे। आप अड्डे के यहाँ क्या है? मैं ड्राइवर अड्डे का। ये ड्राइवर है, आप नदीम को जानते हैं? जी जानते हैं। उसका तो ड्राइविंग लाइसेंस ही बस चलाने का नहीं बना हुआ। जी लाइसेंस का मुझे नहीं पता, ये मुझे पता कि हर 24 घंटे बाद मैं ये लाहौर से करोड़ वाली गाड़ी चलाता हूँ, न्यू खान वाले, हर 24 घंटे के बाद ये ड्राइवर हम लोग का तब्दीली होती है और हर घंटे 24 घंटे के बाद गाड़ी की चेकिंग फुल बटा फुल होती है। उसके पास सियालकोट जाने का परमिट है? आपको एक बताता हूँ, सियालकोट जाने वाली गाड़ी जो पिंडी जाती है, वो सियालकोट का ड्राइवर जब पिंडी जाएगा तो पिंडी का रास्ता का नहीं पता चलेगा, यहाँ से ब्रेक लगानी, यहाँ से चढ़ाई है। असल मकसद ये है, ये ब्रेक फेल होने का मकसद नहीं है, दूसरा मकसद नहीं है। असल मकसद यही है कि एक रूट से दूसरे रूट पर जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा यहाँ से मोड़ आता है, आगे नहर आ जाएगी या दरिया आ जाएगा। असल मकसद ये है, मैं ड्राइवर करता हूँ 35 साल से, मैं ड्राइवर हूँ। ये मकसद नहीं कि उसकी ब्रेक फेल गई, यहाँ से ये गाड़ी का हादसा हुआ। आपका मतलब कहने का ये है कि उसको वहाँ के रास्ते कानून का नहीं पता था, वो सियालकोट जाने वाला पिंडी चला गया। वो पिंडी चला गया। महीउद्दीन, बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन जनरल बस स्टैंड पर मौजूद थे और कुछ ड्राइवर्स से भी उन्होंने बात की और उस बस की हालत, जो बदकिस्मत बस जिसमें ये सानहा पेश है, उस बारे में बता रहे थे। इस सानहे से जुड़ी बहुत सारी कहानियां और वो कहानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बहुत सारे खानदान ऐसे थे जिनके इकलौते चश्मा चराग इस सानहे में चले गए। 3 खानदान ऐसे थे, इनमें से कैसे खानदान से मुलाकात की हमारे नुमाइंदे शहरोज इबाद ने और इस खानदान पर क्या गुजर रही है वो बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। स्कूल ट्रिप रवाना हुआ तो सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, कोई ये नहीं जानता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। इस बस हादसे में स्कूल टीचर का इकलौता बेटा भी जांबहक हो गया। 16 साला मोहम्मद जोहेब मैट्रिक क्लास का तालिबिलम था। जोहेब ने आखिरी बार घर फोन करके वापसी का सफर शुरू होने की इतला दी, लेकिन वापस इसकी मैयत ही घर लाई गयी। इकलौते नौजवान बेटे की इस नागहानी मौत पर इसका गम ज्यादा वालिद बेटे की मौत को अल्लाह की रजा समझ कर बर्दाश्त कर रहा है। सुबह सफर के और क्या हो सकता है, तकलीफ तो मुझे पता है ना, वक्ती तौर तो मैं चुप हूँ, ठीक है। जोहेब अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। माँ की मना करने पर जोहेब ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जोहेब के दोस्तों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की जिद की और ये उन सब दोस्तों का आखिरी सफर बन गया। जोहेब के चचा का कहना है कि इन तीनों की नमाज जनाजा भी एक साथ अदा की जाएगी और कब्रें भी एक साथ बनाई गयी है। तीनों ने सुबह की नमाज इकट्ठी पढ़ी मस्जिद में, तीनों फिर एक सीट पे बैठे थे, ड्राइवर की बैक सीट पे। इस खौफनाक हादसे के बायस फैसलाबाद में यौम सोग मनाया जा रहा है, जबकि तमाम तालीमी इदारे बंद और कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। पूरा शहर इस वक्त सोग में डूबा है और लोग ताजियत करने यहाँ पर आ रहे हैं और सानहे को जो है वो पूरे फैसला, ना सिर्फ पूरे फैसलाबाद को ये सानहे सोगवार कर गया, बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो इस वक्त अफसोस की फिजा। इस वक्त साबिक सूबाई वजीर बदरुद्दीन चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उनसे मैं इस वाकये के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो वाकये पेश आया है, किस तरह से ये शहर पर असरअंदाज हो रहा है और खासकर जो सियासी क्यादत है वो किस तरह से देख रही है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही पुरदुख वाकया है जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, और मैं ये समझता हूँ सिर्फ दुख करने से या अफसोस करने से मसले का हल नहीं है, हमें ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे इस किस्म के वाकयात दोबारा इसका यादा ना हो सके। जो जाने तो जो पंजाब हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, आप मुतमईन, आपको लगता है कि उससे जो है वो जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? मैं कहता हूँ जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे ना, अभी हम पहले से ही बदनीति पे या उस पर कर दें। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सानिया है, इस पर हर बंदा जो है वो इसको खलूस दिल से चाहेगा और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस किस्म के वाकयात का यादा हो सके। और इस सिलसिले में हम उन लोगों से जिनका जो नुकसान हुआ है उनके दिल की गहराइयों से उनके साथ हैं। आज पूरा शहर सोगवार है, हर शोबा जिंदगी ने, वकला ने, ताजरों ने, सियासी लोगों ने और कारोबारी लोगों ने, सरकारी मुलाजमीन ने, सब ने इस पे दुख का इजहार किया है। यकीनन बहुत ज्यादा दुख है फैसलाबाद की सियासी क़यादत, ताजर बरादरी से भी हमने बात की, इस वक्त पूरे शहर में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, सोग की फिजा है, कारोबार बंद है, कारोबारी मराकज में बिल्कुल काम नहीं हो रहा, शहर की सूरत हाल क्या है उस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल्लर कहार के करीब पिकनिक के लिए गए तुलबा की बस को हादसे की इतला जैसे ही फैसलाबाद पहुंची, वालदैन और शहरियों की बड़ी तादाद स्कूल पहुंच गई। इस अलमनाक सानहे में जां बहक होने वाले बच्चों के वालदैन गम के मारे सकते में हैं, तो रिश्तेदारों की नम आंखों और गमगीन चेहरों ने शहरियों को दुखी कर दिया है।
इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चों की मौत से हर कोई गम में मुब्तला है। अंजुमन ताजरान ने सोग में कारोबारी मराकज बंद रखने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ शहर के तालीमी अदारे भी बंद पड़े हैं। मगफरत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि खुदा उनके घर वालों को सबर अता फरमाए, हौसला अता फरमाए। बड़ा दुख हो रहा है, उनकी हालत देखी नहीं जा रही, वो कुछ बयान नहीं कर सकते। सोग में डूबे फैसलाबाद की गलियों और बाजारों में इस वक्त सन्नाटे का राज है। अगर कोई आवाज है तो गमजदा लोगों की, सिसकियों और आहों की है। इस हादसे में कुछ जख्मी होने वाले थे जिन्हें चकवाल कलर कहार से पहुंचा दिया गया फैसलाबाद, और वो फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कलर कहार से रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सगीर अहमद, उनसे वहां की सूरत हाल और वहां पर जो बच्चे लाए गए उनकी हालत कैसी है उस बारे में जानते हैं। जी सगीर जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में, जहां तीन बच्चों को लाया गया है जिसमें जैन, बिलाल और अब्दुल्ला शामिल हैं, और जबकि एक नायब कासर जो स्कूल का वहां पर बस में मौजूद था वो हादसे में जख्मी हुआ, उसको भी यहां पर एडमिट किया गया है। इसमें जो तीन बच्चे हैं इनमें जैन जो है वो छठी क्लास का तालिब इल्म है और उसके सर पर शदीद चोटें आई हैं, जबकि उसकी एक टांग जो है वो भी फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसे अभी न्यूरो सर्जन ने जो है वो शिफ्ट किया है उसको DHQ, और वहाँ पर उसका सिटी स्कैन होगा और उसके बाद डॉक्टर जो है वो मायना करेंगे सिट स्कैन के बाद कि आया इसको मजीद कितने दिन यहाँ पर रखा जाएगा, कितना दिन इसका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा चार जो बच्चे हैं वो DHQ रात को मुंतकिल हुए थे, जिनमें नाजिम है एक, और इसके अलावा उमर, हमजा और अब्दुल्ला, जबकि एक अनीस नामी स्कूल टीचर भी हैं जो वहाँ पर DHQ अस्पताल में जिनको शिफ्ट किया गया था। और DHQ में जो तमाम बच्चे हैं और टीचर हैं उनके बारे में डॉक्टरों का ये कहना था कि वो बिल्कुल स्टेबल हैं और वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, चूँकि उनके जो वर्सा हैं वो दूदराज से फैसलाबाद से आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर उनका आना जाना ज़रा मुश्किल है, तो वो अगर चाहें तो यहाँ से उनको शिफ्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बच्चा जो है जो बेनजीर भुट्टो अस्पताल में है, जैन उसका नाम है, उसकी एक तो टांग फ्रैक्चर है जबकि उसके सर पर शदीद चोटें आई हैं। दूसरे बच्चे जो हैं उनके भी सर पर चोटें आई हैं और मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं उस पर चोटें आई हैं, तमाम वो स्टेबल हैं और वो उनकी रिकवरी हो रही है, इलाज यहाँ पर चल रहा है। और ये भी ज़राए ने हमें बताया कि आज जो शाम के टाइम हो सकता है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो यहाँ पर अचानक दौरा करेंगे और ये जो बच्चे यहाँ पर दाखिल हैं उनसे मिलेंगे। हमारी जो बच्चों के वर्सा हैं उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर सगीर बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे सगीर अहमद बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल में मौजूद थे और वहाँ पर जो बच्चे लाए गए थे उनकी हालत के बारे में बता रहे थे। मैं उस बदकिस्मत स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, मिलत ग्रामर स्कूल, जिसके बच्चे पिकनिक मनाने के लिए कलर कहार गए थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनका ये जो सफर है वो सफर आखिरत साबित होगा। इस वक्त इस इलाके में सूरत हाल ये है कि सफ़े मातम बिछी है घर घर, और शायद यहाँ के रहने वाले जो हैं उन्हें मालूम नहीं कि किसके घर जाएं अफसोस करने और किसके घर ना जाएं। यहाँ पर तदफीन का अमल अभी जारी है। इस सानहे से जुड़ी तमाम तर खबरों और जो भी कहानियाँ अभी हमें पता चल रही हैं, जो हमें हम तक मालूमात पहुँच रही हैं, उस बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। दुनिया न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों के गम में बराबर का शरीक है। वह पाकिस्तान के दीगर शहरों से मजीद क्या अहम खबरें हैं वो जानने के लिए आपको वापस चलना होगा मेन स्टूडियो शाजिया और तारिक मतीन के पास। जी हाँ, बहुत शुक्रिया रहमान। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और जो लोग भी, जो अफराद भी इस वाकये के मर्तकब हैं जिन्होंने गफलत बरती है उनके खिलाफ यकीनन एक कार्रवाई होनी चाहिए। एक इब्तदाई रिपोर्ट तारिक सामने आई है। मोटरवे पुलिस ने कलर कार हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक बस का ड्राइवर ना तजुर्बाकार था जो ब्रेक फेल होने की वजह से बुखला गया, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। और जरा ये बता रहे हैं कि मोटरवे पुलिस ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में लिखा है कि बस को मोटरवे पर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद ड्राइवर ने एक अंदरूनी रास्ता इख्तियार किया। बस का ड्राइवर भी नातजुर्बेकार था और उसे कंडक्टर चला रहा था जो ब्रेक फेल होने पर बुखलाहट का शिकार हो गया और सॉल्ट रेंज पर मौजूद इमरजेंसी चढ़ाई को इस्तेमाल नहीं किया। बस के अंदर से एक फहरिस्त भी मिली है जिस पर तहरीर है कि इस टूर के लिए हर बच्चे से 700 रुपए वसूल किए गए। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान कहते हैं कि IG मोटरवेज पुलिस जफरुल्ला खान ने DIG मोटरवे डॉक्टर मोहम्मद शफीक की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में DIG शाहिद यार खान और SSP अशफाक अहमद खान शामिल हैं। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी।